अगर आपको लगता है कि हम अकेले हैं तो जरा इसे देखिए। यह है गूगल का हेडक्वार्टर। अब हम यहां से ऊपर चलते हैं। यह है हमारी पृथ्वी। और यह है हमारा सोलर सिस्टम। यह हमारा सूर्य है। ये सूर्य जैसे ही कई तारे हैं और इन सभी के आसपास पृथ्वी जैसे कई प्लैनेट्स हैं। ये है हमारी मिल्की वे आकाशगंगा। ये हमारी मिल्की वे के सबसे करीबी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और अब इसे देखिए, ये हमारी मिल्की वे की तरह ही कई आकाशगंगाएं हैं। ये बबल हमारा यूनिवर्स है। और अब इसे देखिए, कितने सारे यूनिवर्स हैं ये। इसे ही मल्टीवर्स भी कहते हैं। तो क्या हम अकेले हैं? ये सबसे पुराना कॉस्मिक क्वेश्चन है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? फैक्ट्स के अनुसार यूनिवर्स में कई एलियन वर्ल्ड्स हैं जिनकी कंडीशन हमारी अर्थ के सिमिलर है। ऑलमोस्ट कोई भी इसमें बिलीव नहीं करता कि हमारा प्लेनेट अनोखा है। 300 मिलियन से भी ज्यादा वर्ल्ड्स की कंडीशंस हमारी अर्थ से सिमिलर है जो मिल्की वे में बिखरे हुए हैं। तो इससे बढ़िया क्वेश्चन ये होगा कि क्या इस गैलेक्सी में हम अकेले हैं? गिवन डेटा के अनुसार हम ऑलरेडी 4000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स का चक्कर लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि लगभग हर स्टार का चक्कर प्लैनेट्स लगा रहे हैं और उनमें से लगभग हर पांचवां प्लैनेट अर्थ के आकार का है। तो इसके अनुसार हम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद बिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें मिलियंस ऑफ स्टार्स का साइज अर्थ के जितना हो सकता है। और कंडीशंस के अनुसार ये विश्वास करना कि हम अकेले हैं बहुत ही हास्यास्पद है। हब्बल टेलीस्कोप के अनुसार यूनिवर्स में करीब 100 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये ह्यूमन इमेजिनेशन से परे है। और ये जानने के बाद भी ये सोचना कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं काफी हास्यास्पद है। 60 साल पहले इस सवाल का जवाब हमें ड्रेक इक्वेशन से मिल पाया है जिसके अनुसार शायद 1000 से 100 मिलियन प्लैनेट्स सिविलाइजेशंस के साथ मिल्की वे में मौजूद हैं। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कॉस्मिक एवोल्यूशन बेस्ड एक कैलकुलेशन की है जिसके अनुसार करीब 35 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मिल्की वे में एग्जिस्ट करती हैं। इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस को कार्दाशियन ऑफ स्केल के माध्यम से समझा गया है। इससे हम उनके टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के आधार पर उनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी का पता लगा सकते हैं। एक जाने माने फिजिसिस्ट से हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें एलियन लाइफ का सोफिस्टिकेशन लेवल समझना होगा। अगर हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं या उनसे संपर्क बनाते हैं तो इस सेंचुरी में शायद हमें उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से डे बाय डे कुछ असामान्य सिग्नल्स प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम उनकी लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पता लगाएंगे कि कार्दाशियन स्केल में वो किस लेवल पर है। फिजिसिस्ट स्टार्स और ब्लैक होल्स को दो पैरामीटर पर रैंक करते हैं, पहला है एनर्जी और दूसरा इंफॉर्मेशनल, और इसी आधार पर हम स्पेस की सिविलाइजेशन को रैंक करते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशंस प्लैनेटरी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, वे वेदर कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, वे जियोलॉजिकल इवेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइप 2 स्टेलर होंगे जो स्टार्स की आउटपुट एनर्जी का यूज करने में सक्षम है जैसे कि स्टार ट्रैक, ये अपने आसपास के प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर लेते हैं। टाइप 3 स्टार वॉर्स की तरह होंगे। इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने वार्निंग दी थी कि हम एलियन को खोजने की ज्यादा कोशिश न करें क्योंकि हो सकता है हम जितना फ्रेंडली उनको समझते हैं वो ऐसे न हों। उनका कहना है, जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मेरा विश्वास इसमें और बढ़ता जा रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। जरूर एक दिन हमें कैलिस 832C जैसे प्लैनेट से इस बात के संकेत मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें उन्हें जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। यदि वास्तव में गैलेक्सी में हम अकेले नहीं हैं और किसी एलियन सिविलाइजेशन के इरादे हमारे प्रति बुरे हैं तो ये पहले से ही बहुत लेट है क्योंकि हम यूनिवर्स में अपनी लोकेशन को सैकड़ों सालों से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हम इंसान सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं, लेकिन यह एक इमैच्योरिटी की निशानी है
हमारे पास टेक्नोलॉजी केवल 100 सालों के लिए ही है और ये इस समय 3 साल के टाइम स्केल से एक्सपोनेंशियली इवॉल्व हो रही है। तो इमेजिन कीजिए कि अगले 1000 सालों में, 10 लाख सालों में या फिर 1 अरब सालों में क्या होगा। वास्तव में यूनिवर्स के इतिहास में हमारे सूर्य का फॉर्मेशन बहुत लेट हुआ है। इससे पहले भी कई तारे बन चुके थे और उनमें से कुछ तो पहले ही मर चुके थे, और उनमें से व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट भी शामिल हैं जिन्हें आप जानते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे जैसे सिविलाइजेशंस अब तक एक नॉर्मल सूर्य जैसे तारे के आसपास अस्तित्व में थी, और अगर वे अब तक सर्वाइव कर चुके हैं तो अब वह 1 अरब साल पुरानी हो सकती है। एक बिलियनेयर टेक्नोलॉजी की कल्पना कीजिए, ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह लगेगा। फिर भी इससे हम गॉड को करीब से समझने की तरह इसे समझने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो जहां तक दूसरी सिविलाइजेशन से इंटरेक्शन की बात है, इस मैटर में हमें हम्बल रहना चाहिए। वैसे हमें बोलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्फीरियर हैं तो आपके लिए रिस्क है। जैसे कि अगर आप बहुत तेज बोलते हैं तो आपके लिए रिस्क है। तो क्या हमारी गैलेक्सी में सिविलाइजेशंस हैं? बिना एविडेंस के वर्तमान में हम अंधेरे में हैं। हम अभी अपनी गैलेक्सी से कम मुट्ठी भर एलियन सिविलाइजेशन से लेकर 100 मिलियन प्लैनेट्स तक का अनुमान लगा सकते हैं। इसका एक अनपॉपुलर आंसर भी है जिसमें लगभग कोई भी विश्वास नहीं करता कि यूनिवर्स में हम अकेले हैं। लेकिन जब बात आती है हमारी गैलेक्सी में टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की, तो शायद हम ही हैं। लेकिन जब यूनिवर्स की बात आती है, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में केवल हम ही हैं। अगर बात करें स्पेस के विस्तार के बारे में, तो इसका डायमीटर 90 से 92 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है, जिसमें 100 अरब से 1 खरब तक गैलेक्सी मौजूद हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक गैलेक्सी में करीब 100 अरब स्टार्स हैं। तो इनमें किसी प्लेनेट पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद होने के कहीं ज्यादा चांस हैं। लेकिन इस बात के भी कहीं ज्यादा चांस हैं कि हम अपनी गैलेक्सी में अकेले ही हो सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कहीं हो भी, फिर भी हमें इसी विचारधारा को सपोर्ट करना चाहिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड ही एवोल्यूशनरी का पाथ है। अर्थ पर 10 अरब से भी ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं, लेकिन किसी की भी क्यूरियोसिटी या मैकेनिकल एबिलिटी ह्यूमन की जितनी विकसित नहीं हो पाई है। व्हेल और डॉल्फिन को बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि उनमें भी एब्स्ट्रैक्ट थॉट आते हैं और वे हमारी दुनिया के प्रति क्यूरियस हैं। निश्चित ही वे ऐसी मशीन्स नहीं बना सकती जिससे दुनिया का अध्ययन किया जा सके। एक थ्योरी के अनुसार हम 4 से 5 मिलियन सालों पहले होमिनिड्स के रूप में आए थे और करीब 1.25 लाख साल पहले होमो सेपियंस के रूप में आए थे। इससे स्पष्ट है कि हमारे जीवन में लास्ट 100 से 200 सालों में गजब का एवोल्यूशन हुआ है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी गैलेक्सी में एलियन सिविलाइजेशंस के नंबर को खोजने पर फोकस किया है। उन्होंने 2 अनआइडेंटिफाइड कंडीशंस में अर्थ जैसे प्लैनेट्स पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज खोजी हैं। पृथ्वी की तरह दूसरे प्लैनेट्स पर भी एबियोटिक कंडीशंस में जीवन उत्पन्न होने की संभावनाएं। ये एक प्रोसेस है जिसे बायोजेनेसिस भी कहते हैं, और फिर वहां से इंटेलिजेंस के उभरने की संभावना। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स तो कॉस्मोस में लाइफ होने की बात से ही डिसएग्री करते हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अन्य एलियन सिविलाइजेशंस होने की संभावना हो सकती है। साइंटिफिक कम्युनिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक वो जो अर्थ के सिमिलर कई प्लैनेट्स की ओर इशारा करती है, इसलिए इस बात के चांस हैं कि हम अकेले नहीं हैं, जबकि कुछ लोग इसका हार्ड एविडेंस मांगते हैं। मिल्की वे में अगर लाइफ है तो सभी एलियंस कहाँ हैं? फर्मी पैराडॉक्स। अगर वे कॉमन है तो कहाँ है? इस समय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज की जा रही है, आसमान को स्कैन किया जा रहा है। हमने कुछ 100 लाइट ईयर्स तक इसको देखा है, लेकिन पूरी मिल्की वे का ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। सैकड़ों अरबों स्टार्स में ये एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन फिर भी यदि गैलेक्सी में लाइफ एग्जिस्ट करती है, विशेषकर कोई इंटेलिजेंट लाइफ, तो वे निश्चित रूप से केमिकल एवोल्यूशन में हमसे ज्यादा डेवलप्ड होंगे। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले न्यूक्लियर प्रोसेस और स्टार एक्सप्लोजन ने गैस के बादल और धूल का निर्माण किया, और इसमें बेहद हैवी एलिमेंट्स रिलीज हुए जिसके कारण अर्थ जैसे प्लैनेट का निर्माण हुआ। इन रियलिटी ऐसी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जो हमसे कई अरब साल आगे हों। पिछले कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में मानव ने तेजी से टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की है, और 1 लाख या करोड़ वर्षों की बात तो छोड़ दो, अगर हम इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले 1000 या 10000 साल में हम क्या हासिल कर सकते हैं। अगर वे इंटरस्टेलर ट्रेवल और कॉलोनाइजेशन की कैपेबिलिटी तक पहुंच गए, तो उन्हें हजारों लाइट ईयर्स तक डिटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। विद इन 10 मिलियन ईयर्स वो खुद यहाँ होंगे, और अगले 100 मिलियन सालों में हमारी गैलेक्सी उनसे पॉपुलेटेड हो जाएगी।